How are you? Yes, sir. So fine, sir. Okay. So first of all, tell me about your family background. Sir, my father is a businessman and he has a small shop, and my mother is a housewife, and we are three siblings. And my younger brother has completed is pursuing his BTech, and my elder brother has completed his BTech and now he's preparing for government exams. Okay, so what about your educational background? Sir, I have completed BSc in 2019, Okay. and I completed my intermediate from Allahabad, and till high school I completed my initial education from my hometown. Okay, that's good. So, what do you think? What are the nature of conflict in northeastern areas? Sir, may I speak in Hindi also? Ha, you can. Sir, can you repeat your question, please? What is the nature of conflict in northeast areas? Sir, in Northeast, maximum इंसर्जेंट ग्रुप्स वो लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं. और सर, एक तो वहाँ जो प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश से इमिग्रेशन की. और सर, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो ब्रिटिश टाइम से ही उससे आइसोलेट रखा गया था, तो एक एलिनेशन वाली फीलिंग है. और सर, जब वहाँ बाहर से माइग्रेशन से लोग आते हैं, तो उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो कल्चर का लॉस हो जाए, हम मार्जिनलाइज हो जाए. और सर, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, मीन्स 100+ हैं, तो उनमें सर ट्राइब्स में भी कुछ ना कुछ संघर्ष होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है अपनी अपनी मांगों को लेके या कल्चर या लैंग्वेज को लेके, और सर नॉन ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइब्स के बीच में होता रहता है. ओके दैट्स गुड। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इस बुक को ले सकते हो जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली इंटरव्यू के लिए आपके। इसमें आपको 100+ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। आपके इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करेंट और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे इसी बुक में। आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी रिसेंट करेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज है वो सारे के सारे इस बुक में कवर किए गए हैं। साथ ही साथ जो है आपको ये लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आर यू अवेयर ऑफ द ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच एट विच शेड्यूल दे आर मेंशन्ड? सर, इन शेड्यूल 6 What actually there are scheduled areas and tribal areas, right? So these are mentioned in two different schedules. सर, इन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6. Okay, so what are these areas? सर, एक तो सर शेड्यूल 6 में जो है वो असम, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा को लेके एक उनकी उनपे जो गवर्न वो क्या कहते हैं मीन्स उनपे रूल करने का एक जो प्रावधान है, और उनपे का मतलब जो लैंग्वेज और जो उनकी बेसिक नीड है वो कंजर्व करने का, ऐसी चीजें ओके सर आई एम नॉट वेरी मच अवेयर. ओके व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू नक्सलाइट्स एरियाज? सर, एट प्रेजेंट सिनेरियो ना सर, या जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नक्सल एक प्रेजेंट मोमेंट था जब शुरू हुआ, बट सर प्रेजेंट सिनेरियो में ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया है. और जो मेन कॉजेस रहे हैं सर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट के, वो जैसे सर वहाँ अंडर डेवलपमेंट था, और मीन्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे. और ओके सर उनको सर जैसे कम्युनिस्ट लीडर्स ने स्टार्टिंग में पीपुल्स गवर्नमेंट स्टेबल करना चाहते हैं, वो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हमारा है इसमें बिलीव नहीं करते हैं, और कैपिटलिस्ट के वो लोग विरोधी हैं. तो इस तरह के सर इस तरह की चीजों की वजह से वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है. ओके दैट्स गुड।
Are you aware of the anti-terror mechanism that India adopted to fight terrorism in India? Yes, sir. What are? What are these mechanisms? Rajnath Singh in 2017 in Naxal areas, they start he started a three-pronged step in which first develop the area and secondly talk and third challenge the status quo if it matlab violates the human rights. And sir जैसे एक तो ये चीजें हो जाती हैं और उसके बाद सर जैसे JNK के इशू में अभी जैसे सर 370 को हटाया गया और उसके थ्रू सर एक मतलब एक संदेश दिया गया मैसेज दिया गया चाइना को और पाकिस्तान को कि JNK एंड लद्दाख इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मीन्स POK एंड अक्साई चीन आल्सो. और सर जैसे JNK में भी 370 के हटने के बाद वहां पे डेवलपमेंट की चीजें बढ़ेंगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इस तरह की चीजें की जा रही हैं सर. और जैसे कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस एंड जो हमारी मिलिट्रीज है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ सर मॉडर्नाइज किया जा रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी. अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द मेजर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म राइट एंटी टेरर मैकेनिज्म को लेकर के अभी क्या चल रहा है क्या मतलब सिनेरियो प्रेजेंट में ये सारी चीजें जो आपने बताई तो मिलिटेंसी से संबंधित हो गई या नेक्सलाइट एरिया से संबंधित हो गई. एंटी टेररिज्म को लेकर के क्या गवर्नमेंट ने कोई रूल्स निकालने हैं कोई रेगुलेशन या कोई लॉ बनाया है क्या अभी इस समय प्रेजेंट सिनेरियो है? सर अभी तो जैसे 2019 में NIA के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है टेररिज्म को रोकने के लिए. और सर जैसे अलग अलग स्टेट में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वगैरह चल रहे हैं और एक जो मैक करके जो एक इंस्टीट्यूट सर है वो मतलब इंफॉर्मेशन को एक एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके थ्रू. और सर ऐसी चीजें हो रही हैं सर कुछ. ओके सो व्हाट डू थिंक व्हिच डिपार्टमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर टेरर अटैक्स काउंटरिंग टेरर अटैक्स इन इंडिया? सर काउंटरिंग टेरर अटैक के लिए सर रॉ एंड आईबी. आर यू श्योर अबाउट इट? यस. ओके व्हिच इज द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट? सर NIA. ओके so what do you think what are the scope of NIA in India? Sir jaise sir NIA ko jaise sir kisi bhi rajya mein without police permission cheezon ko tackle karne ki ek chhoot hai to ye apne aap mein ek uski swayatta jo aati hai uske through kafi cheeze manage ho jati hain. aur sir NIA ke scope ko sir aur main bahut zyada define nahi. okay no problem now tell me what do you think what are your key strengths that will assist you in this job? Sir jaise ki sir main hamesha punctual rehne ki koshish karta hu aur sir jaisa ki main maths ka student raha hu to maine thodi bahut observation skill apne mein develop karne ki koshish ki hai. aur sir mere andar sir adaptability hai main kisi bhi reason mein ya kisi bhi circumstances mein apne aap ko manage kar leta hu aur mujhe sir koi bhi kaam jaise बहुत टफ नहीं लगता. मुझे लगता है कि अगर किसी ने किया है तो अगर हम भी कोशिश करें तो उसे कर सकते हैं. मुझे लगता है सर ये सब चीजें डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगी. ओके दैट्स गुड. सो व्हाट डू यू थिंक हाउ यू विल मैनेज फियर और फेलियर्स? सर जहां तक बात फेलियर की है तो अभी तक मैंने कई सारे फेलियर देख लिए हैं तो वो अब बहुत ज्यादा मुझ पर इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा. और सर जैसा कि मैं कविताएं वगैरह भी लिखता रहता हूँ तो इसके थ्रू सर मैं अपने आप को बैलेंस कर लेता हूँ. वो फिर जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये चीजें अपने अंदर गुनगुना के या उनको अपने जैसे सर हर चीज का आत्मविश्लेषण करके सेल्फ एनालिसिस करके उसमें मैनेज कर लेता हूँ वो चाहे फियर हो या फेलियर हो दोनों को. ओके दैट्स गुड. तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पाइवेयर एंड वर्म? वर्म इज आल्सो अ काइंड ऑफ वायरस. यस सर.
सर स्पाईवेयर के थ्रू तो किसी भी डिवाइस की या किसी भी सिस्टम की स्पाइंग की जाती है, उसमें रिलेटेड डाटाज और उसकी कॉलिंग सिस्टम किस किससे कॉल हो रही, क्या हो रही, इस तरह की चीजें। और सर वॉर्म के बारे में मैं बहुत अवेयर हूँ, सॉरी सर। ओके okay.